हाय गाइस, दिस इज टीके बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसे आप लोगों का 12 का HSC एग्जाम होता है, जो स्टूडेंट है खासकर उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो लोग सोचते हैं कि अब एग्जाम होने के बाद उन लोगों को कुछ इंडिपेंडेंटली करना है। सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं होता है, जो करना रहता है आप लोगों को किसी ना किसी की हेल्प से ही होता है। ये सिर्फ नाम के लिए इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगर किसी की हेल्प के कोई जीता नहीं है। अच्छे से अच्छे पैसे वाले लोगों को भी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, तो ये इंडिपेंडेंट वर्ड को भूल ही जाओ। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि उन लोगों को कुछ करना है, अपना खर्चा खुद पूरा करना है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिपेंडेंट वर्ड, आप लोग ये बोल सकते हो कि हमें अपना खर्चा खुद पूरा करना है, पेरेंट्स से नहीं मांगना है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आती है। तो ये सोच रखने वाले बहुत से स्टूडेंट जो है, जो सोचते हैं कि हमें एक इंटरव्यू जाना है, हमें एक जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। तो आज के डेट में जो सबसे अच्छी जॉब है एक फ्रेशर्स के लिए, जो एक 12 पास HSC पास के लिए, वो है BPO। अब BPO क्या होता है, बहुत से लोग इसे इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कॉल सेंटर। अब कॉल सेंटर दो तरीके के रहते हैं, एक नेशनल कॉल सेंटर रहता है जो हिंदी में रहता है और इंग्लिश में रहता है, और एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर रहता है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। बट मोस्टली जो है इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो है इंग्लिश में ही रहता है। इंग्लिश कंपलसरी है अगर आप लोगों को BPO ज्वाइन करना है, मींस नो मैटर आप लोग की इंग्लिश फ्लुएंट है या नहीं, बट इंग्लिश बोलना जरूरी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश जरूरी है। तो इंटरव्यू में आप लोगों को क्या क्या पूछेगा, मैं वही चीज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप लोग BPO के इंटरव्यू में जाते हो तो BPO के इंटरव्यू में आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले जाने के पहले, अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आप लोग को अपॉइंटमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, या डायरेक्ट बुला रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे। सो वो टाइम पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना रहता है, इंटरव्यू में आप लोगों को BPO के लिए सबसे पहले पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप लोगों को सबसे पहले जितनी मैं चीज बताऊंगा सिर्फ उतना ही बोलना। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना अपना नाम, नाम के बाद अपना एड्रेस, एड्रेस के बाद आप लोगों को अपनी एज बतानी है, अपनी हॉबीज बतानी है, हॉबीज के बाद आप लोगों को अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ये पांच चीजें बताना है, बट ये पांच चीजें बताने के बाद आप लोगों को सीधा बोलना है दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन, अगर आप एक इंटरव्यू में बैठने का तरीका भी आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने दोनों हाथ अपने टेबल पे रखने और आप लोगों को बॉडी एकदम स्ट्रेट रखना है, जरा भी बॉडी मूवमेंट नहीं है ऐसा ऐसा करके, जरा भी बात नहीं करना है, स्ट्रेट बात करना है नजरे से नजरे मिला के, ठीक है। तो ये चीज आप लोग की ध्यान में दी जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों लिए आपके लिए जॉब प्रोवाइड होगा, ध्यान में रखना। सो इंटरव्यू में आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आप लोग ये पांच चीजें बोलोगे। अब दूसरी चीज वो आप लोगों को पूछेगी कि आपका मींस एक्सटर्नल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो जो भी आपका रहेगा एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन, जैसे आप लोग अगर किसी चीज में अच्छे हो, या किसी सॉफ्टवेयर एडिटिंग में अच्छे हो, या किसी गेम में अच्छे हो, तो वो आप लोगों को बताना, या उसके अलावा अगर आप लोग कुछ और कर रहे हो तो वो आप लोगों को बताना। अब उसके बाद आप लोगों को क्या बताना है, वो पूछेगा आप लोगों का आपने कितना पढ़ा है। उनके रेज्यूम, आपके रेज्यूम में लिखा रहेगा वो उन लोगों ने पढ़ चुका होगा, बट फिर भी आप लोगों के मुंह से पूछना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, आप लोगों को आंसर देना है जो नेगेटिव आंसर कभी नहीं देना आप लोगों को, सिर्फ हाँ हाँ में जवाब देना। तो आप लोगों को बताना है कि मैंने इतना पढ़ा और ये साल में ये महीने में मैंने अपनी पढ़ाई इतनी इतनी कंप्लीट किया, पूरा साल और महीने के साथ आप लोगों को बताना है। अब उसके बाद आप लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि ये जॉब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप लोगों को सिंपल बोलना है कि मुझे ये चीज एक्सपीरियंस करनी है लाइफ में, और साथ ही साथ जो है मुझे अपना खर्चा अपने पेरेंट्स के लिए बिगर पूरा करना है, और ये चीज आप लोगों की हो गई तीसरी, ठीक है। ये तीसरी चीज आप लोगों की हो गई, ये सब आप लोगों को इंग्लिश में बोलना है। मैं तो आप लोगों को एक इजी सिंपल वे में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर मैं भी इंग्लिश में बोलूंगा तो आप लोगों को वीडियो को बना के देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। तो आप लोग अपने हिसाब से इंग्लिश में बोलना। तो उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो पूछा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन की, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो आप लोगों को अपने सैलरी एक्सपेक्टेशन में क्या बोलना है, अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ये प्रोसेस में और इस कंपनी में इतनी सैलरी मिलेगी, तो उस सैलरी से आप लोगों को 3,000 रुपया ज्यादा बोलना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की सैलरी 15,000 बताई गई थी इंटरव्यू के पहले, तो आप लोगों को बोलना है 18,000 to 17,000 मिनिमम। सो आप लोगों को क्या बोलना है, 3,000 रुपया बढ़ा के। तो जैसे आप लोग ये 3,000 बढ़ाओगे तो कम से कम आप लोगों का उस 3,000 को ही कम कर देगा, तो जो एग्जैक्ट सैलरी आप लोगों को मैसेज पे बताई गई थी इंटरव्यू के पहले वही सैलरी आपकी हो जाएगी। एंड बहुत से कंपनी में पिक एंड ड्रॉप रहता है, बहुत से कंपनी में पिक एंड ड्रॉप नहीं रहता है। एंड बहुत से कंपनी में BPO में इंसेंटिव दिया जाता है मंथली और डेली बेसिस पे, और बहुत से कंपनी में इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो ऑन हैंड रहता है वही देता है। बट अगर आप लोग की कंपनी अच्छी है तो आप लोग कंपनी में मीन्स लिमिटेड कंपनी, तो आप लोग का PF कटेगा, जो आप लोग जब जॉब छोड़ दोगे तो आप लोग को वो पूरा एक साथ कंपनी में एक प्लस होके आप लोगों को उसका अमाउंट मिलेगा। अब जैसे आप लोगों की सैलरी है 15,000 और आप लोगों का मंथली PF कटता है 500 रुपया, अब 500 रुपया आप लोगों का मंथली कटेगा, तो उस मंथली 500 रुपये में आप लोगों को कंपनी और 500 रुपया देगी।
तो इस तरह से 12 महीने का हो गया 12,000 रुपया। तो एक साल में अगर आप लोग जॉब छोड़ देते हो तो वो पूरा पीएफ अमाउंट आप लोग को 12,000 रुपया जॉब छोड़ने के बाद आप लोग के हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये सब थी बीपीओ के हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो भी है मैंने आप लोगों को पूरा इस वीडियो में बता दिया। तो आप लोगों की सारी बातें समझ में आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, तो जिससे जो है उनका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और नर्वसनेस जो है नीचे हो जाएगी। तो नर्वसनेस एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को नीचे भी कर सकती है, ऊपर भी कर सकती है। अगर आप लोग उसे पॉजिटिव वे में लेते हो तो आप लोग बहुत आगे जाओगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाजू में नोटिफिकेशन बेल लिंक दबाना, तो जिससे आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की अपडेट मिलती जाएगी। गुड बाय एंड टेक केयर।